कार्तिक समझने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों उसका असल चीज समझ लिया भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम जिसको हो गया है उनको ये समझना कोई आवश्यकता है नहीं कि भगवान कितना बड़ा है। भगवान तो वो जानते ही नहीं जो ये भगवान, जैसे जसोदा माई, जसोदा माई जब कृष्णा पुतना को मार डाल तो जसोदा माई उस वक्त फोन किया तो जसोदा माई समझते हैं जो कोई दैवी शक्ति हमारा जो लड़का है उसको रक्षा किया। वो नहीं समझते हैं कि ये बालक जो है, ये जो शिशु बालक भी नहीं, किसान भगवान, उनको कोई जानने का आवश्यकता नहीं। बिना असल जो चीज है प्रेम, वो उनको भीतर है। इस साधारण के लिए जो कि भगवान को मनुष्य समझता है, अब जानती मान मूढ़ा मानसिम तनुमान, साधारण व्यक्ति जिसको ज्ञान है मैं परम भाव में जान, जो कि भगवान का परम भाव समझते हैं, वो कृष्ण का ऐसी कोई साधारण व्यक्ति समझता। हमारा ही ऐसे कोई होगा, ज्यादा कुछ पावर है नहीं। इसका नाम है कूपमंडूक न्याय, कुआं का मेढक। कुआं का मेढक वो 3 फुट पानी में उसको अवस्थान है, वो क्या समझेगा कि प्रसाद तो महासागर क्या चीज है। वो खाली सोचते ही जाएगा, कोई अगर प्रसाद तो महासागर कभी देखा नहीं तो उनको कहे कोई दे, देखो जी एक बड़ा भारी समुद्र देख के आया है, वो तो कभी देखा नहीं। बोलते कितना भारी, ये जो 3 फुट पानी हम रहते हैं इससे कितना ज्यादा है, कितना हो और थोड़ा 2-4 इंची ज्यादा, 10 इंची, तो वो सोचते ही रहे ऐसा 2 इंची 4 इंची 10 इंची, बाकी उसको कभी समझ में नहीं आएगा कि प्रशांत महासागर क्या चीज। इसलिए जो मूर्ख होते हैं वो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, और नहीं तो कोई समझ लिया कि कोई महान पुरुष होगा ऐतिहासिक। बाकी वो जो स्वयं भगवान है वो उनको दिमाग में घुसता है, इसलिए उनको समझाने के लिए भगवान को अपनी महिमा बता रहे हैं। भूमि रपान लो वायु खंग मन बुद्धि वच अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। देखो जी भगवान तात्विक आपको तो समझा रहे, ये जो भूमि मट्टी है और जल है, भूमि आपा अनला अग्नि, भूमि आपा अनला वायु और वायु हवा और अहंकार, अहंकार जो हम लोग अभी समझते हैं कि मैं हूं, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मैं हूं, सब कोई अपना अहंकार है, मिथ्या अहंकार, वास्तविक ये चीज मैं हूं नहीं। वही भूमि रूप और वायु का एक आवरण है ये जो शरीर, ये शरीर भूमि अपन वायु, ये जो बारिमित विनिमयम भागवत में कहते हैं, जो अग्नि जल और मट्टी इसको मिला करके एक वस्तु जो है वही शरीर, ये सर दुनिया ही यही है, हमारा शरीर नहीं, आपका शरीर नहीं, सारा दुनिया यही चीज है, यही भूमि अपन वायु, कहीं भी जाए यही सब चीज मिल करके ये शरीर भी होता है और मकान भी होता है और पहाड़ भी होता है, जो कुछ आप भौतिक चीज आप देख रहे हैं ये बस इसी का
एक समावेश एकत्रित मिल करके। इसलिए जो लोग मूर्ख होते हैं वो समझते हैं ये भूमि अप अनल वायु, ये मट्टी जल अग्नि वायु ये सब मिल करके एक परिस्थिति में उसका जीवन बन जाता है। ये आत्मा कोई चीज है, ये बड़े बड़े सब जो पाश्चात्य दार्शनिक है वो दार्शनिक लोग यही विचार करते हैं कि मट्टी से जल से ही आत्मा पैदा होता है, आत्मा और कोई अलग चीज नहीं। और ये बुद्ध का भी यही विचार है, ये मट्टी जल पानी है अग्नि हवा ये सब मिल करके एक परिस्थिति हुई है, इसको तोड़ दीजिए, ये जो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर सुख दुख का अनुभव नहीं। क्योंकि भगवान कहते हैं नहीं, ये जो मट्टी जल अग्नि वायु और सुख चीज अहंकार बुद्धि मन स्थूल और सुख, ये शरीर है स्थूल और इसका भीतर में एक सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर क्या चीज है, मन बुद्धि अहंकार। ये शरीर स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जीवात्मा रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार फिर उसको और दूसरा शरीर दिलाता है। जैसा गुलाब का खेत से यदि हवा बहती है वायु तो उसका सुगंध ले जाता है, और पखाना का जो हवा है वो दुर्गंध ले जाता है। इसी प्रकार इस जीवन में मैं जैसा कर्म कर रहा हूं उसका सुगंध दुर्गंध वो मन बुद्धि अहंकार वो उसको ले करके और दूसरी शरीर उसको प्राप्त हो, ये जन्मांतर बात। कर्मणा दैव नेत्रेणा, कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपत्ति, अपना कर्म कारण। इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, उस विषय में भगवान बताया है, जानति देव व्रता देवान पितरी जानती पितरी व्रता भूते जा जानती भूतानी मत जाजिनो की जानती माम। बड़ा सरल है, इस जीवन में जैसा कर्म कीजिएगा, यदि देवता को अर्चन कीजिएगा, अनेक देवता है तो जानती देव व्रता देवा, तो देवलोक में आप जाइए, पितरी जानती पितृव्रता जो श्राद्धादि होता है वो श्राद्ध करके पितृलोक को संतोष करते हैं, वो पितृलोक में जाएंगे कर्मकांड विचार। और जो भौतिक है इस दुनिया में परिश्रम करते हैं तो इस यही रहेंगे, चाहे मनुष्य शरीर है कि जानवर शरीर है कोई भी शरीर है। और भगवान कहते मर जादिनो भी जानती माँ, और जो हमारा भक्त है केवल हमारे ही सेवा में नियुक्त है वो हमारे पास है, ये बात नहीं है जैसा मूर्ख लोग कहते हैं किसी प्रकार कोई भी काम करो आगे जाके सब भगवान मिल जाए, ये भगवान इतना सस्ता नहीं है। जैसा बड़ा मिशन कहते हैं जतो मत ततो, कोई भी मत आप निकाल लीजिए और अपना काम कीजिए भगवान का पास पहुंच जाएगी, ये तो भगवान बन जाएगी, ये सब धोखाबाजी। भगवान जो कहते हैं हो जो जानती देवव्रता देवान, तो देवव्रता देवान जो सबसे उच्च लोक है ये भौतिक जगत में ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक का विषय अब भगवद गीता में भी कहते हैं सहस्र युग पर्यंतम
अरहत जत ब्रह्मनो विदु। ये जो हमारा युग होता है सत्य त्रिता दापर कली, ये चार युग में इसको युग कहा जाता है। दिव्य युग, चतुर्जो, ऐसा अलग अलग नाम होता है। इस प्रकार हजार चतुर्जो में ब्रह्मा का एक दिन होता है, जो कि हमारा 12 घंटा है, समझ लीजिए। सवेरे सूर्योदय तक, सूर्योदय से शुरू करके और शाम को सूर्यास्त तक 12 घंटा समझ लीजिए, कभी 13 होता कभी 14 होता, तो साधारण 12 घंटा। ये जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा है, वो हमारा जो चतुर्युग है चतुर्थिता दापर कली, ये सब मिल करके हजार गुण करने से ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता। अब समझ लीजिए उसका आयु 100 वर्ष है, तो कितना लंबा लंबा उनका दिन रात महीना बरस। तो ब्रह्मलोक में जाने से जैसे ब्रह्मा जी का आयु है वो आपको मिल सकता है, चंद्रलोक में जाने से आपको 10,000 वर्ष प्रमाण मिल सकता है, परंतु मरने होगा, ये बात नहीं। ब्रह्मा जी को भी मरना है और हम लोग को भी मरना सब। इसलिए भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति न बज। अगर ब्रह्मलोक में भी जाओ, स्वर्गलोक चंद्रलोक महोलोक जनलोक को तो बात ही नहीं, सबसे जो आगे है वो ब्रह्मलोक में भी जाओ तो आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति, कोई आवागमन उसमें लगा रहे। और यदि हमारा धाम में आओ तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, जदगत्या न निवर्तन्ते। इसलिए मनुष्य जीवन को चाहिए कि इसी जीवन में भगवत भक्ति को अच्छी तरह से पालन करके भगवान का पास चलाइए। ये सब जानते ही नहीं, भगवत गीता में सब कुछ बताया हुआ, ये तो आदमी इसमें ध्यान देता नहीं और नहीं तो जानते ही। बाकी सब चीज भगवत गीता में बताया गया, केवल उसको अच्छी तरह से समझ करके और अगर काम किया जाए तो इसी जीवन में हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल क्या, मैं जीवात्मा भगवान का अंश स्वरूप, भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, भगवान विभु मैं अनु, किसी तरह से मैं भौतिक जगत में फंस गया, यही बात। और इससे उद्धार हो करके फिर हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है उसको प्राप्त करके फिर भगवान के पास जा करके अच्छी तरह से रहो। जद गत्या न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, नित्य काल नित्य नित्यानाम, वेद में कहते हैं भगवान नित्य वस्तु है, हम लोग भी नित्य वस्तु है, तो फिर क्यों अनित्य संसार में हम लोग इधर इतना तकलीफ उठाते हैं, ये दिमाग में घुसता। इसका नाम है पशु जीवन। देखिए पशु का दिमाग में घुसता नहीं ये क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ये जिज्ञासु नहीं है, जो हम दिन भर क्यों परिश्रम करते हैं और भगवान का विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं है, तो वो पशु ही है, समझ लीजिए वो पशु ही, उसको पशु ही कहा जाता है। आहार निद्रा भय मंथन, इसलिए भगवान खूब विश्लेषण करते, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं एनालिसिस, एक एक पुंख पुंख विचार करके समझा रहे हैं कि ये जो दुनिया है पांच भौतिक, भूमि अपान अलो वायु खंग मन बुद्धि रे, पांच भौतिक वो स्थूल है और सुख भौतिक है मन बुद्धि अहंकार। तो भगवान कहते हैं इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो 8 प्रकार की प्रकृति है ये हमारा ही चीज, थोड़ा अलग है।
जैसा उदाहरण सुनो, जैसा आप लोग को हम सुना रहे हैं और एक टेप रिकॉर्ड में ये सब जो वचन है वो सब रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, वो टेप रिकॉर्ड को जब प्ले रिप्ले किया जाएगा, मालूम होगा मैं ही बोल रहा हूं, मैं हमसे वो अलग है, वो चीज अलग है। यद्यपि शब्द से मालूम होगा कि मैं ही बोल रहा हूं। इसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है, ये क्योंकि भगवान परम सत्य वस्तु है और उनकी प्रकृति से भिन्ना प्रकृति द्वारा ये प्रस्तुत है, इसको बनाया गया है, मालूम होता है ये सच। बाकी भगवान कहते हैं भिन्या ओम तत्सत, चिद वस्तु सत है, अचिद वस्तु सत नहीं है, सर्वविकार संपन्न है, सब प्रकार का विकार होता है, जन्म होता है, स्थिति होता है, वर्धन होता है, अपक्षय होता है, परिणाम होता है और नष्ट होता है। जैसे हमारा शरीर, आपका शरीर, मां का गर्भ में बहुत छोटे से, जैसा समझ लीजिए एक चला का ऐसे पहले शरीर होता है, फिर आस्ते आस्ते बढ़ती है, उसमें सब छेद होता है, छेद होगा अगर नाक कान ये सब बन जाता है, 9 छेद होता है, फिर वो शरीर बढ़ता है, बढ़ते 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 जब पूरा हो जाते हैं तो माँ का गर्भ से निकल आता है, फिर अपना काम शुरू हो जाते। हाँ, तो ये जो शरीर है भौतिक शरीर, ये जन्म हुआ, फिर आस्ते आस्ते बढ़ता है, जन्म वृद्धि और स्थिति कुछ दिन रहेगा, 20-50-100 ज्यादा से ज्यादा, स्थिति और परिणाम इससे बच्चा अच्छा बहुत कुछ पैदा होगा, परिणाम फिर अवक्षय है, बुढ़ापे आ जाएंगे, क्षय होगा, क्षय होते होते एक दिन खत्म। ये शरीर का पांचों होती शरीर का ये नियम है, चाहे अपना शरीर लीजिए, चाहे हाथी का शरीर लीजिए, चाहे जगत का शरीर लीजिए, ये सब चीज एक ही नियम से जन्म स्थिति परिणाम वृद्धि अपक्षय नाश। परंतु जीवात्मा जो है अविनाशी तू तद वृद्धि, वो अविनाशी, ये मूर्ख लोग नहीं समझता, वो समझता है कि शरीर नाश हो गया, सब नाश हो गया, अब कुछ नहीं, सब खत्म हो, नहीं सब खत्म नहीं होता, जीवात्मा ना वो फिर अलग शरीर लेता अपना कर्म का अनुसार, ये मूर्ख लोग नहीं समझ, और समझना कोई मुश्किल भी नहीं है, भगवान कहते हैं इसको समझा रहे हैं कि देही नस्मिन यथा देही को मानंग जौवन जरा तथा देहांतरंग प्राप्ति धीर सत्य नमी अति, ये समझ में कोई देर नहीं लगता है कि देही नस्मिन यथा देही, ये शरीर में ये जो हमारा शरीर है आपका शरीर है, हाँ पहले बहुत छोटा था, हाँ फिर वो छोटा शरीर थोड़ा और कुछ बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, बालक का शरीर हो गया, फिर शरीर तो पलट गया, वो छोटा शरीर मांस माँ का गर्भ से निकलता है वो तो नष्ट हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा शरीर मिल गया और उससे और थोड़ा बड़ा शरीर जो बढ़, उसी प्रकार मुझको तो ठीक ठीक मालूम है जो देखो कि मैं माँ का गोद में ऐसी छोटी शरीर में लेटा रहता हूं, हमको ख्याल, तो मैं जो हमारा ख्याल है, मैं नित्य वस्तु है, शरीर पलट गया, इसी प्रकार ये शरीर पलट जाएगा, मैं रह जाऊंगा, इसमें समझ में क्या दे बता, भगवान यही समझा रहा है, देही नस्मिन यथा देही को मान जो मन जरा तथा देहांतरंग प्राप्ति, जैसे इसी जीवन में अनेक देह परिवर्तन होता है, इसी प्रकार ये शरीर परिवर्तन हो जाने से मैं नष्ट नहीं होता, न हन्नते हन्नमाने शरीरे, शरीर नष्ट हो जाने से मैं जो है आत्मा वस्तु आत्म वस्तु मैं नष्ट नहीं होता। आजकल भौतिक सभ्यता में वो ये सब जानते भी नहीं,
और जानने के लिए कुछ प्रयत्न भी नहीं करता है, और कोई अगर उसको समझाया जाए तो हंसी उड़ाते, ऐसा मूर्ख होंगे वो, क्या भगवत भजन करेंगे, क्या तपस्या करेंगे, या उसको ज्ञान तो है ही नहीं। इसलिए कलयुग में शास्त्र में यही बताया है, हरे नाम इव केवलम कलो नासिव 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 गति। जो दिमाग तो कलयुग में बहुत ही खराब है, मन लिया सुमंद मत, ये लोग समझते हैं हमारा दिमाग कुछ बड़ी है, हम मोटर गाड़ी बना ले, नहीं कलयुग में दिमाग सब खराब है, नष्ट बुद्ध है, मंदया समन्द मतयो मंद भाग्या अधिपद्युत। कलयुग का ये लक्षण है, एक तो मंद है, कुछ समझ से नहीं, मूर्ख है, और जो कुछ समझने के लिए प्रयत्न करता है तो उसका मत भी मंद है, वो एक मत निकाल दिया। देखो जी, ये मट्टी से ही चेतन पैदा, अरे मट्टी से चेतन पैदा होता है तो लेबोरेटरी में क्यों नहीं बनाते हैं? एक चींटी तो बनाओ मट्टी से चेतन, बाकी अपना जिद करेंगे, बड़े बड़े सब डार्विन थ्योरी और ये थ्योरी से बड़े बड़े पाश्चात्य सब तथाकथित से विद्वान है, एक नंबर से मूर्ख है। ये मट्टी से चेतन बनाने को चाहते हैं, ये संभव है नहीं, चेतन वस्तु अलग है। इसलिए भगवान कहते हैं अपरायम इतस्वन्यांग प्रकृति विधि में परा, ये जो भौतिक चीज है भूमि अपर और वायु, ये निकृष्ट प्रकृति है, अपरा अपरायम, ये इसका वैल्यू कम है, निकृष्ट इंफीरियर क्वालिटी। तो अपरायम इतस्तु विधि में प्रकृति परा, इसका अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति उत्कृष्ट, वो कौन चीज है? जीवभूत, ये जो जीवात्मा जीवभूत महाभाव जयदम धार देते जब, ये जो प्रकृति परा प्रकृति जीव है, यही दुनिया को भोग कर रहे हैं, भोगता तो नहीं, भोग के लिए प्रयत्न करता है, सब कोई चाहते हैं दुनिया का चीज हम खूब भोग करें, इसलिए कहते हैं उनकी ज्ञान है, उनकी बुद्धि है, इसलिए उनको परा प्रकृति कहा जाए। तो जीव परा प्रकृति, जीव भी प्रकृति, बाकी परा प्रकृति, ये भूमि पांच भौतिक जो चीज है ये अपरा प्रकृति, और जीवात्मा जो है परा प्रकृति, बाकी प्रकृति पुरुष नहीं, पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या। तो भगवान पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान पुरुष, ये भगवान का ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो कुछ है ये सब भगवान का भोग्या है, भगवान इसको भोग करेंगे। और जो जीव समझता है कि मैं भोगता हूं, इसका नाम ही है माया, और कुछ भगवान पुरुष है, और ये जरा प्रकृति और चित प्रकृति दोनों ही भगवान का भोग वस्तु है। तो हम लोग ये जब भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण भोगता है और मैं जब भोक्ता बनने के लिए प्रयत्न करता हूं, उसका नाम है माया, वही माया का चक्र, जो चीज मैं है नहीं उसको यानी कृत्रिम भाव से आर्टिफिशियली वी आर ट्राइंग टू डू दैट इज कॉल्ड माया, वी आर नॉट भोक्ता। भोक्ता एकमात्र भोक्ता भगवान, भोक्ता हम जग दवसाम सर्वलोकमहेश्वरम, तो भगवान तो सर्वलोकमहेश्वरम, क्योंकि भगवान की प्रकृति से जो कुछ है दुनिया में सब कुछ बनी हुई है,
दुनिया में है क्या चीज, यही भूमि रप अनर वायु, उसको मिला मिला करके के एक चीज खड़ा कर देते हैं बस। तो वो तो भगवान का है, और आगे जाके भी भगवान बता देंगे, यह भी बताया है कि जीव है ये भी हमारी प्रकृति है। तो मैं भी भगवान का और दुनिया भी भगवान का है, तो हमारा उचित क्या है जो भगवान जिस तरह से हमको भोग कर सके उस काम में लग जाने से ही हमारी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ यही होता है कि स्वरूपे न अवस्थिति मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम। ये जो हम प्रकृति है और पुरुष होने के लिए जो हम प्रयास करते हैं यही हमारा बंधन का कारण माया। और यदि मैं प्रकृति प्रकृति रूप से भगवान की भोगदा हो जाते हैं तो उसका नाम है मुक्ति, और कुछ नहीं। मुक्ति और कुछ नहीं, स्वरूप में अवस्थित न जब मैं प्रकृति हूं और भगवान पुरुष है तो मैं भगवान की भोग गया। इसलिए भगवान जिस तरह से हमको भोग करने को चाहे, जिस तरह से हमको हुकुम करे, उस प्रकार हम काम करें तो भाई हमारा वो मुक्ति है और कुछ नहीं। मुक्ति कोई अलग चीज नहीं है। हाँ थोड़ा समझ के देखिए कि अपरायम इतस्तु अन्यांग प्रकृति में विधि में परा जीव भूतांग महाबाहो जयदम धार्य तेज। ये जो जीव है जीव प्रकृति, बाकी पुरुष होने पुरुष का नकल करके ये दुनिया में भोग करने को चाहते हैं, इसलिए ये इतना झगड़ा आपसे। आपसे झगड़ा का कारण क्या, या आप भी प्रकृति मैं भी प्रकृति भगवान की भोग्या वस्तु, परंतु माया जाल में फंस करके मैं भी पुरुष होने को चाहता हूं आप भी पुरुष होने को चाहते हैं, इसलिए आपसे हमसे झगड़ा। अब यदि उभय हम लोग दोनों ही समझ जाए कि भाई हम तो भोग नहीं कर सकते हैं आप भी भोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपसे हमसे झगड़ा क्या। जो भोग भोग्या जो भोगता है वो तो भगवान है, इसलिए आप और हम सब मिलकर के भगवान को सेवा में लग जाए तो फिर झगड़ा का कोई बात ही नहीं। ये सब समझते हैं, इसलिए भगवद गीता अच्छी तरह से समझना चाहिए, और समझ करके यदि हम लोग अपना जीवन में इसी प्रकार काम करेंगे तो शांति है, तभी शांति मिलेगी। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीराम सर्वभूतानाम ज्ञात्या मांग शांति। अगर शांति चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भोक्ता है भगवान और हम लोग भोग्या। ये एक चीज अगर हम लोग समझ जाए भोक्तारम जगदव भगवान भोक्त्या सर्वलोक महेश्वर और सब जितने लोक है। ये जो एक लोक है पृथ्वी लोक है भूलोक है भूवर लोक है जनलोक है महलोक है तपलोक है अनंत कोटि लोक है। तो भगवान कहते हैं जो भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोको महेश्वरम सब लोक का मालिक मैं हूं। यदि भगवान सब लोक का मालिक हुआ और फिर हमारा भोग्य वस्तु क्या रह गया, तो ये समझ सकते। इसलिए भगवत भक्ति जो कृष्णा भावना मिलता कि दुनिया में प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। आदमी सब भूल से चल रहा है, वो जानते ही नहीं, झूठ मोट लड़ाई झगड़ा अशांति ये सब बनाए हुए हैं और सब समय दुखी है। अब जब कृष्ण कॉन्शियस हो जाए, जब कृष्ण को मान लें जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं हम मैं उनको सेवा, तो किसी भी अवस्था में उसकी रहे, किसी भी अवस्था कोई भी अवस्था। ये बात नहीं है जो धन रहने से ही सुखी रहेंगे और धन नहीं रहने से दुखी रहेंगे, ये बात नहीं है। हम लोग सब किस्म का आदमी से मिलता जुलता हो, बड़े बड़े धनी से भी मिलता हो तो वो भी दुखी है। सब ये आप लोग सब जानते हैं, सभी दुखी है। क्यों दुखी है, वो अपनी जो परिस्थिति है जो वास्तविक
जो उनका स्वरूप है वो भूल गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य का ये नहीं है आज दास बन करके भगवत भक्ति करे कल खुद ही भगवान हो जाए, नहीं ये बात नहीं है। नित्य दास, आज भी दास और मुक्ति होने का पश्चात भी दास। बाकी वो जो दास है वो स्वरूप है, और ये जो दास है ये विरूप है। दास मैं है परंतु मैं समझता हूं कि मैं मालिक, सब कोई दास है। हम जितने आप लोग इधर बैठे हुए हैं देखिए कोई मालिक है, सब दास है। कोई दुकानदारी का दास है, कोई गवर्नमेंट सर्विस का दास है, कोई औरत का दास है, कोई मिनिस्टर का दास है, वो मिनिस्टर भी दास है, वो यानी जो कोई हो सब कोई दास है। अभी गवर्नर जो वो भी दास है, वो नेशन का दास है, उसका अगर वोट नहीं दिया जाए तो उसका नौकरी छूट जाए, तो सभी दास है। बाकी सब मानते हैं मैं मानते इसका नाम है मान, और कुछ कोई भी व्यक्ति हो तो दास है। बाकी वो भगवत दास स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोक का दास हो जाएगा, नेशन का दास हो जाएगा, घर में परिवार का दास हो जाएगा, और कुछ नहीं तो कुत्ता का दास हो जाएगा, घोड़ा का दास हो जाएगा, बाकी भगवान का दास नहीं। बस यही लोग दास वो है, दास उनको रहने ही पड़े। जैसा हम लोग सिविल डिसोबीडियंस किया था आप लोग को मालूम है कि वहां गवर्नमेंट को नहीं मानता, तो गवर्नमेंट को मानता नहीं सब पकड़ पकड़ के सब जेल में भर्ती कर दिया, अब उधर खूब पीटा गया है। तो दास नहीं मानते, गवर्नमेंट को नहीं मानते, आप ये रूल से मानो। जैसा होता है साधारण एग्जाम्पल, तो और एक खुशी से गवर्नमेंट का कानून मान के हम लोग चले तो जबरदस्ती पुलिस का हाथ में, मिलिट्री का हाथ में हमको जाने नहीं पड़े। इसी प्रकार दास जीव का स्वरूप है दास, जब वो भगवान से विरोध करके वो कहते हैं नहीं दास नहीं है मैं मालिक, उस समय माया उसको पकड़ करके अच्छी तरह से उनका जो माया का हाथ में जो त्रिशूल है खूब अच्छी तरह से उनको सजा दे। वो त्रिशूल का नाम है त्रिताप यंत्रणा, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको वो समझता है जो मैं तो सब दुख नहीं चाहता हूं, क्यों ये तीन प्रकार के दुख हमारा ऊपर सब समय जबरदस्त बैठ जाता है, ये मनुष्य जीवन का काम है। जैसे सनातन गोस्वामी जाकर के चैतन्य महापुरुष से पूछा था के आमी कैनो मोरे जापे तापो त्रो, महाराज आपके पास आए तो गुरु का पास जाकर के यही पूछना है वास्तविक हमारा स्वरूप क्या, और मैं तो दुनिया का कुछ दुख नहीं चाहता हूं, क्यों हमारा ऊपर दुख जबरदस्ती बढ़ जाता, यही पूछना। ये गुरुकरण का अर्थ होता है जिसको समाधान कर। जैसा अर्जुन पहले भगवान कृष्ण से मित्रता हिसाब से बातचीत कर रहा है, जब उसको समाधान नहीं हुआ तो कृष्ण को गुरु माना, शिष्य से हम साधु मांग प्रपन्नम, जो आपको मैं शिष्य बन जाता हूं आप हमको उपदेश दीजिए, जिस तरह से ये जो हमारा चंचल मन हो गया लड़ाई क्षेत्र में आकर के हम लड़ाई करने को नहीं चाहता हूं, तो उसका सिद्ध। इसलिए भगवान को गीता समझाए। इसी प्रकार हम लोग को समझना चाहिए कि मैं तो दुख नहीं चाहता हूं, अब किधर से कौन दुख भेज देता है जो कि जबरदस्ती हमको भोगने पड़ता, इसका समाधान क्या है, ये जब प्रश्न होगा फिर आस्ते आस्ते वो भगवान का प्रश्न भी आएगा, भगवान से हमारा क्या संपर्क है वो भी समाधान होगा, फिर भगवान का सेवा में लग जाने से हमारा सब दुख मिट जाएगा। इसलिए कलयुग में वो भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, बड़ा सरल उपाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।